फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल रंजीत सिंह जम्वाल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप सबको बता दें कि 3 न्यू क्रिमिनल लॉज पर हम इनकी राय भी जो है वो जानेंगे और आप तक भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाएंगे कि आखिर ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज क्या कुछ बोलते हैं। सबसे पहले सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू सर। 3 न्यू क्रिमिनल लॉज क्या बोलते हैं? देखिए, 1 जुलाई से आपको भी पता है और जो भी लोग इस सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जुडिशियल साइड में हों, एडवोकेट्स हों, पुलिस हो, तो 3 नए लॉज आ गए हैं IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह पे। उसमें है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का, नए कानून जो आए हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 150 साल से ज़्यादा जो है एक ब्रिटिशर्स के टाइम के जो लॉज आए थे, इंडिया को एज ए कलोनी जो एक कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लॉज लाए थे, वो टाइम टू टाइम जो उसमें छोटी मोटी अमेंडमेंट्स आती रही हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया इज़ ग्रोइंग एज ए कंट्री, इंडिया इज़ ग्रोइंग एज ए सोसाइटी, तो जो और बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे आपको पता है बड़ी पिछले कुछ टाइम से जो है साइबर क्राइम्स बढ़ रहे थे, अपना एक ऑर्गेनाइज क्राइम्स बढ़ रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन जो हैं वो बढ़ गए थे, और कोर्ट्स का जो एक डिलेड प्रोसीजर रहता था जिसको कहते हैं हम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एक प्रोलॉन्ग लिटिगेशन चलती है कोर्ट्स में, ट्रायल्स लंबे चलते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है एक सिस्टमेटिक वे से इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक कॉलोनियल एक माइंडसेट था उससे बाहर आने के लिए, एक इंडियनाइजेशन करने के लिए हमारे कानूनों को, वो एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, स्टेप है, इसको जो है लीगल फ्रेटर्निटी जो है इसको वेलकम करती है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट के स्टेप को। सर, लोगों की बात करें तो कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं ये 3 लॉज को, ऐसा क्यों? देखो, हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, कुछ लोगों का क्रिटिकल व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आती है देर इज़ ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको जो है हमारे फ्रेमर्स ने उस पर एक कमेटी हेडेड बाय B.R. अम्बेडकर जब बनाया था तो उसको डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो लेके उसको पूरा पढ़ के स्टडी करके बनाया था, लेकिन उसमें भी 106 जो है अमेंडमेंट्स एज ऑन डेट जो हो चुकी हैं। तो अगर कुछ लोगों को लगता है इसमें कोई छोटी मोटी कमियां हैं तो उसमें कोर्ट्स बैठे हैं, लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, उसमें कुछ चेंजेस जो हैं टाइम टू टाइम लाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कानून जो है कोई इतने कोई हॉरिफाइंग है या इतने कॉलोनियल माइंडसेट के हैं कि उससे लोगों को डरना चाहिए, इसमें बहुत सारी अप्रिशिएट करने वाली अच्छी चीज़ें हैं। सर, अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोगों की ज़िंदगी में इन कानूनों से कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल पाएगा? डेफिनेटली देखने को मिल पाएगा, क्योंकि आप जैसे मैं कहूँगा IPC का नाम रख दिया है अब भारतीय न्याय संहिता, अगर हम IPC का मतलब निकालेंगे हिंदी में तो उसका बनता है भारतीय दंड संहिता, दंड संहिता से हम न्याय संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट का ये व्यू पॉइंट है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी ये अपना व्यू पॉइंट था कि दिस वुड बी ए वाटरशेड मूवमेंट फॉर इंडिया। लॉ कमीशन हो, गवर्नमेंट का हो, तो उन्होंने कहा कि जो एक कल्चरल हमारी हिस्ट्री रही है उसको माइंड में रखते हुए ये इन चीज़ों को लाना बड़ा ज़रूरी था। और गवर्नमेंट का भी ये मानना है कि ये जो है सिटीज़न सेंट्रिक हैं, इसमें जो विक्टिम जो है उसको फोकस में रखा गया है और जो एक्यूज़ है, सो कॉल्ड जो एक्यूज़ होगा, एलेज्ड एक्यूज़ होगा, उसको भी एक स्पीडी ट्रायल मिले, उसके जो आगे फर्दर रेमेडीज़ हैं जल्दी से जल्दी अवेल करने का उसको टाइम मिले, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ने जो है लेजिस्लेशन के थ्रू इनको टाइम बाउंड कर दिया है कुछ चीज़ों को, चाहे उसमें चार्ज फ्रेम होना है, जजमेंट देनी है, तो ये एक अच्छा स्टेप है इसके इम्प्रूवमेंट के जो है। सर, जो लोग क्राइम करके बच के निकल जाते थे, अब उनके चांसेस कुछ बचने के हैं या फिर भी क्राइम करके निकल जाएंगे? देखिए, क्रिमिनल जो है वो तो हमेशा इस माइंडसेट से क्राइम करता है कि इसका किसी को पता नहीं चलेगा, मैं एब्सकॉन्ड कर जाऊंगा, भाग जाऊंगा, लेकिन कुछ प्रोविजंस जो हैं वो सख्त आ गए हैं, जैसे कुछ लोग क्राइम करते हैं और एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, अब इसमें एक नया स्पेसिफिक प्रोविजन आ गया कि अगर कोई एब्सकॉन्ड करता है उसकी एब्सेंस में ट्रायल पूरा चलेगा और उसकी एब्सेंस में जो है जजमेंट भी डिलीवर कर दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले जब जो एक्यूज़ जो है एब्सकॉन्ड करता था, अगर उसकी एब्सेंस में कोई ट्रायल होता था तो उसको मौका मिलता था कि वो चाहे तो वो पुराने वाले एविडेंस को अडॉप्ट करे या वो नए सिरे से रीट्रायल जो है पूरा वो उसको जो है मोड को वो अडॉप्ट करे, लेकिन अब वो रीट्रायल वाला जो है वो उसको वो ख़त्म कर दिया गया है, जो उसकी एब्सेंस में जो इन एब्सेंशिया जो एविडेंस आएगा। तो ये जो लोगों के माइंड में है कि एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, ऐसा नहीं है, अब कोर्ट जो है सख्त हो गया है और स्ट्रिक्टली जो है जो नए कानून हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे।
सर इम्प्लीमेंट तो होंगे, लेकिन मुझे लगता है जितने भी इस समय एडवोकेट्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, उन सबको पढ़ाई दोबारा से करनी पड़ेगी। देखिए, वकील जो है, मैं भी वकालत में हूँ, पिछले 30 सालों से उससे हूँ, तो वी ऑलवेज कॉल अस एज द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, तो स्काई इज़ द लिमिट। वकील तो हमेशा पढ़ता रहता है। अगर किसी के माइंड में ये है कि हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो वो उसका बेंट ऑफ माइंड जो है वकालत की तरफ नहीं है। वकील की जो पढ़ाई है, दैट इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस। जजेस भी पढ़ते हैं, डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, और जो पुलिस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको भी अपडेटेड रहना पड़ता है। सेक्शंस में बदलाव देखने को मिल पा रहा है, लेकिन सेक्शंस की जहाँ तक बात करें तो उन्हें बिल्कुल आपको याद रखना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं सब लोग, कैसे याद रखते हैं? देखिए, जो लोग रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर वकालत में हैं, उनके माइंड में जो मेन प्रोविजंस हैं वो रहते हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल लाइफ का एक हिस्सा रहती हैं ये चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि हमें इनको जो है बाय हार्ट इन चीज़ों को लर्न करना है। हमारे पास रेफरेंस बुक्स रहती हैं, जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम रेफरेंस बुक्स को, और आज की डेट में तो वी आर इन दी जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दूसरा है, मोड्स हैं हमारे पास, तो एट दी टच ऑफ ए फिंगर जो हम जो है कोई भी चीज़ को उसको सर्च कर सकते हैं जी। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जहाँ तक पुरानी सेक्शंस का और नए सेक्शंस का है, तो उसमें कंपैरेटिव टेबल्स आ जाते हैं बुक से। हमारी रूटीन में जो ईयरली डायरीज आती हैं, उसमें प्रोविजंस जो है कंपैरेटिव चीज़ें आ जाती हैं जी। तो काम करने वालों के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ, जिन्होंने कोई कसूर ढूंढने हैं उनके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उनके लिए सारी उम्र रहेंगी। सीनियर एडवोकेट डी ए सैनी मेरे साथ मौजूद है। फिलहाल चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 3 new criminal laws क्या कहते हैं। सबसे पहले तो सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। सर, 3 new criminal laws क्या कहते हैं? देखो, जो हमारा एविडेंस एक्ट है जी, CRPC है, IPC है, कानून तो वही है जो इन्होंने नए लाए हैं जी। सिर्फ उनकी सेक्शन चेंज की है, ओके, बेसिकली सेक्शन चीज की हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने अमेंडमेंट की है पनिशमेंट में, इन पिनल कोड जी। तो अब बात यह है कि ये जो हमारा जैसे IPC है, इंडियन पिनल कोड है जी। इस पर जो कोर्ट डील करती हैं, ट्रायल करती हैं केसों को अंडर पिनल कोड प्रोसीजर, CRPC में बताया गया है जी। ये तो बड़े ही पुराना ला चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का चल रहा है जी। अब उसी हिसाब से जितने भी हमारे जज साहिबान हैं, चाहे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट में हैं, चाहे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हैं, सभी को उसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि मान लो कि 302 IPC है, जिसमें मर्डर केस में पनिशमेंट होती है या उसकी ट्रायल होती है, तो उसको कानून वही रहा, उसकी सेक्शन इन्ग्रीडियंट्स वही रही, डेफिनेशन वही रही, सिर्फ सेकेंड चेंज कर। तो उससे ये है कि इनकन्वीनियंस लोगों को है, खास करके ये लीगल फ्रेटर्निटी में लोगों को कन्वीनियंस, चाहे वो जज साहबान है चाहे वकील साहबान है, अब थोड़ा वक्त लगेगा इनको मतलब कि समझने में, तो फिर ये स्मूथ काम चलेगा। अदरवाइज जो प्रॉब्लम इस वक्त इनकन्वीनियंस है। दूसरी बड़ी बात ये है कि एविडेंस एक्ट है, कानून वही है, लेकिन इन्होंने सेक्शन चेंज कर दी। अब उन सब चीज़ों को पर ग्रिप में लेने के लिए वक्त तो थोड़ा लगेगा, इनकन्वीनियंस है। फिर देखो, ये किताबें हमारे पास जितनी भी हैं, IPC की है, CRPC की है, एविडेंस एक्ट है, ये मतलब अदालतों में, जज साहबान के पास, वकीलों के पास, सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में, कितनी हमारी कोर्ट्स हैं पूरे कंट्री में, ये किताबें सब बेमानी होगी ना। अब नए कानून की किताबें लानी पड़ेंगी, उस पर हमें एक पूरा फिर जानकारी पूरी लेनी पड़ेगी, उस पर फिर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। बेशक कानून वही है, डेफिनेशन सेम है, लेकिन सेक्शन अलग होगी ना। सर, जिन बच्चों ने अभी लॉ किया कंप्लीट, अगर हम इसी साल की बात करें या इसलिए पहले वाले साल की बात करें, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि उन्हें दोबारा से अब सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उनको अब देखना, जो बच्चे हमारे लॉ कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, तो उनको तो आज तक तो मिड टर्म में है, किसी ने 2 साल का कम्प्लीट की है, किसी ने 3 का की, किसी ने 4 का की है,
उन्होंने तो पुराना जो कानून हमारा आईपीसी है सीआरपीसी एविडेंस एक्ट है उसी के मुताबिक ही है ना। अब ऑल ऑफ सडन उनको मतलब बेचारों को जो झटका मिलेगा कि लास्ट क्लास में उनको पेपर देने पड़ेंगे अंडर न्यू लॉ, तो उनको भी मुश्किल आएगी, क्वालिफाई करने में मुश्किल आएगी, आगे प्रैक्टिस में भी मुश्किल आएगी, मुश्किल तो है। आप सर अप्रिशिएट करते हैं 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को यहाँ? मैं अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन ली जाए तो मैं नहीं करता, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आई कि इनको ये लॉ अमेंड करने का कोई अमेंडमेंट तो ज़्यादा नहीं हुई, मगर इसको इसकी सेक्शन जो हिंदी में या संस्कृत ने जो दी है उन्होंने उसका क्या फ़ायदा क्या मिला, क्या फ़ायदा है मुझे ओवरऑल देखा जाए क्या फ़ायदा है? सर गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि इससे क्राइम रेट में जो है वो कमी देखी जाएगी। देखो क्राइम रेट में जो वो कह रहे हैं वो ये है कि जिसमें आप पनिशमेंट बढ़ा सकते हैं, जिसमें पनिशमेंट पहले कम थी, अगर मान लो रेप केस आते हैं या उसमें अगर पनिशमेंट बढ़ाते हो वो तो जो हमारा आईपीसी है 376 है उसमें भी हो सकता था। ये इसकी जो सेक्शन जो हिंदी में लाने की इससे क्या फ़ायदा मिला? सर क्या मोटिव क्या मकसद रह सकता है ये नए लॉज इंट्रोड्यूस करवाने का? मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई इसमें कोई ज़्यादा कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये है कि इनकन्वीनियंस लोगों को है, खासकर लाभ वालों को, चाहे जज साहब सबॉर्डिनेट कोर्ट के हैं चाहे वो हाई कोर्ट के हैं। देखो आप इतनी लाइब्रेरी है सुप्रीम कोर्ट में, पूरे कंट्री के हाई कोर्ट्स में हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में हैं, वो लाइब्रेरी आपकी कहाँ जाएगी? और वो जैसा ये प्रॉब्लम जज साहब को भी आएगी, क्योंकि वकील ने तो एक केस पुट करना अपना करना ना कोर्ट को असिस्ट करना है, ठीक है ना, तो जज साहब को भी प्रॉब्लम आएगी। अभी जज साहब को दोबारा लर्न करना पड़ेगा सर कुछ, ये दोबारा ला पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर फिर उस पर उनकी ग्रिप तक जब तक ये दोबारा उस सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट होंगे तब तक बड़ा टाइम निकल जाएगा, और अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगा, लिटिगेट सफ़र तो लिटिगेट करेगा ना। तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इसमें मुफाद नहीं है, फ़ायदा नहीं है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब अमित शाह जी उनके माइंड में क्या है या प्राइम मिनिस्टर के माइंड में क्या है मैं नहीं कह सकता, बट लेकिन अगर मुझे कोई पर्सनल पूछे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि नहीं कोई ज़्यादा मुफाद नहीं है, बल्कि इनकन्वीनियंस ज़्यादा है। थैंक यू सर। सीनियर एडवोकेट परवीन कपाही जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि 3 क्रिमिनल लॉज क्या कहते हैं। सर सबसे पहले तो वेलकम टू स्टेट टाइम्स, सर क्या कहते हैं हमारे ये 3 क्रिमिनल लॉज? मैडम पहले तो हमारे जो 3 लॉ थे पहले वो था इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट। जी सर। और ये अंग्रेज़ों के टाइम से हमारे पास ये लॉ लागू थे और इनकी टर्मिनोलॉजी हमें बड़ा इजी लगती थी। जी सर। जैसे इंडियन पिनल कोड आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, एविडेंस थी। अब जो ये 3 नए लॉ है इनका नाम हमें पढ़ने से याद करना पड़ता है, हमें बार बार ट्राई करें कि इनके नाम ही याद नहीं हो रहे हैं, तो नाम ऐसे रख दिए हैं जो कॉमन आदमी को या वकीलों को जजों को ये मुश्किल होती है, इनके नाम कैसे रखे हैं जो मुश्किल हो रहे हैं प्रोनाउंस करने के लिए भी। और जब हमने ये कानून पढ़े तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये पुराने कानून में सारा कुछ था, और ये कानून चेंज किया या नहीं किया ये सारा बारो किया है ओल्ड लॉ से, ये इसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, सिर्फ इनका नाम टर्मिनोलॉजी चेंज कर रही है जो हमें भी डिफ़िकल्टी हो रही है। अगर इन्होंने कोई अमेंडमेंट लानी होती, चेंजेस लानी होती तो वो पुराने लॉज में अमेंडमेंट ला सकते थे, नए लॉज को इम्प्लीमेंटेशन दे के नया नाम दे के नया कलर दे के वो जजेस ने जो हमने जो 30-40 साल से लॉ की पढ़ाई की हमें भी डिफ़िकल्टी हो रही है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और दोबारा अगर इस लॉ की स्टडी ऐसी होती है रोज़ हमें कानून पढ़ना पड़ता है, नया लॉ आ रहा था और जो पुराने लॉ हमें बार बार पढ़ने पड़ते हैं, जो इतने सालों की हमने स्टडी की हुई है तो वो हमने वो सारी जितनी स्टडी की है सारे लॉज उस पर बने हैं, सारी जजमेंट उसके बेस पे आई हैं, आज की डेट में हमें सभी को डिफ़िकल्टी हो रही है कि हमने बैक टू ज़ीरो जाना है, दोबारा पढ़ना है, केजी से शुरू करना है, पढ़ना शुरू करना है, आज भी हमें डिफ़िकल्टी आएगी, जजेस को भी डिफ़िकल्टी आएगी, पुलिस को भी डिफ़िकल्टी आएगी, नाम चेंज नाम पढ़ना ही ऐसे ये नाम पढ़े हैं मुझे नाम पढ़ने से बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसमें लिखा हुआ है भारतीय न्याय संहिता, बड़ा मुश्किल नाम आ रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा कितना मुश्किल नाम आ रहा है, भारतीय साक्ष्य बिल, ये 3 नाम पढ़ रहे हैं, जब ये लॉ तीनों नाम पढ़ते हैं हमें पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है, और जब नाम इतने इजी थे आईपीसी इंडियन पिनल कोड भारत का नाम था उसमें, सीआरपीसी इंडियन सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट भारत का नाम था, फॉरेन कंट्री का लॉ नहीं था, इसी में अगर अमेंडमेंट करते
जैसे इन्होंने पनिशमेंट, जैसे इन्होंने बनाया कि राजद्रोह की पनिशमेंट थी पहले, सेडिशन की पनिशमेंट थी, राजद्रोह को देशद्रोह चेंज कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता? उसी में अगर अमेंडमेंट करते, 5-7 लीफ और नए लग जाते, उससे सभी को सहूलत मिलनी थी, जजेस को सहूलत मिलनी थी, वकीलों को मिलनी थी, पुलिस को मिलनी थी। कानून जो बनाने थे वो बनाने थे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आज भी आप FIR पुलिस के पास लगाते हो, मुलजिम काबू नहीं आता, महीना काबू नहीं आता, 2 महीने काबू नहीं आता, 6 महीने काबू नहीं आता। साइबर क्राइम इतना बढ़ गया हुआ है, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। अगर आज आप साइबर क्राइम के पास कंप्लेंट फाइल करो तो ट्रेस नहीं होता। जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी पे या डिजिटल टेक्नोलॉजी पर अगर जोर लगा रहे हैं तो ये ग्राउंड लेवल पे सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करते। हम जाते हैं साइबर सेल को कहते हैं हमारे पास सिस्टम नहीं, हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते। जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे आ रही है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उसके लिए लॉ भी होना चाहिए, साइबर लॉ स्ट्रॉन्ग। बड़े बड़े नेता जो है ये दावा कर रहे हैं कि ये न्यू क्रिमिनल लॉज जो है जो भी उन्होंने लाए हैं, इनकी वजह से जो है क्रिमिनल रेट्स में कमी जो है वो देखी जाएगी, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, जिसको कहते हैं ना, शराब तो पुरानी है लेकिन बोतल नई लेबल लगा दिया है। अगर इसी में अमेंडमेंट करते, अगर इम्प्लीमेंटेशन में कानून जो पहला था उसमें सब कुछ कानून था ऐसा जिसको इम्प्लीमेंट करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम ठीक कर सकते थे, जिसमें क्राइम भी रेट कम होता था। जब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस भी करप्ट है, सिस्टम भी करप्ट है, जो कानून में प्रविधान है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको अमेंडमेंट करके दिखाते हैं, नहीं जी हमने कानून को स्पीडी रखना है, तेज़ करना है। अगर ऑलरेडी 3 करोड़ मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, सारी कोर्टों में 1 लाख मुकदमा पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, 2 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट्स में, इतने ही केसेस हैं लोअर कोर्ट्स में। वो उन केसों को अभी चलाने के लिए कानून पुराना लगा हुआ है। अगर नया कानून लगाओगे, जजेस को भी डिफिकल्टी है, वकीलों को भी डिफिकल्टी है, पुलिस को भी डिफिकल्टी है, क्योंकि ये आगे डिस्पोजल करने के लिए बड़ी डिफिकल्टी आएगी। आगे पेंडिंग एरियर बड़ी बड़े हैं, केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। नया कानून लागू करके लोगों को और मुसीबत में डाल दिया, नया कानून हमें पढ़ना पड़ेगा, जजेस को भी पढ़ना पड़ेगा, पुलिस को भी पढ़ना पड़ेगा, उससे टाइम और लॉस होगा, केसेस का डिले और होगा। हमारा कहना यह है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए नीचे लेवल पे जो कानून है उसको सक्रिय कीजिए, साइबर सेल को एक्टिवेट कीजिए, उनको पूरी फैसिलिटीज दीजिए, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ कीजिए। अगर टेक्नोलॉजी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे अकाउंट से हैक होकर पैसे निकल जाते हैं, फ्रॉड हो गया, साइबर सेल को इतना एक्टिवेट कीजिए, साइबर लॉ को इतना एक्टिवेट कीजिए, तो आप टेक्नोलॉजी तो देते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए प्रोविजन प्रावधान बनाना वो नहीं बनाते, वो सोचता ही नहीं है, और डिस्कशन हमारे साथ होती नहीं। ये जो लोग पुलिस वाले, वकील, जजेस जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, इनको पूछ के ये कानून बनाने चाहिए। आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। ये पार्लियामेंट जो हैं, इनको लॉ का क्या पता है? इन्होंने लॉ पढ़ा है, जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए था। कोई कमीशन बैठना चाहिए था जो सीरियसली डिस्कस करता है, क्योंकि हमें पता है कि पुराने लॉ में सब कुछ है, अगर उसमें अमेंडमेंट करते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब नया नाम दे दिया, दिखा दिया दुनिया को कि नहीं, ये नाम चेंज करके नया लॉ, ये उसमें कोई चेंज नहीं है, ये वही कहूँगा पुराना लॉ है, नई बॉटल में है। तो मेरी रिक्वेस्ट जो है सिस्टम से या गवर्नमेंट से ये है कि ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, ताकि क्राइम रेट कम हो। पुलिस को ऑनेस्ट पुलिस अफसर लगाया जाए, ऑनेस्ट जजी लगाए जाए, ऑनेस्ट वकील हो, ऑनेस्ट लेजिस्लेचर हो, जो वाकई चाहते हैं कि क्राइम कम हो, सिस्टम में कमजोरी जो है उसको ठीक किया जाए। लॉ अमेंडमेंट करने से, लॉ चेंज करने से कुछ नहीं होता है, लॉ को इम्प्लीमेंटेशन से होता है। जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप अगर पनिशमेंट बढ़ा देते हो बुक में, उससे ये थोड़ा क्राइम रेट कम हो जाएगा कि नहीं जी इसकी 10 साल सजा थी, इसको हमने 20 साल कर दिया, जो इसमें बताया गया है नए कानून में। अगर बढ़ाया गया है उससे क्राइम रेट कम थोड़ी होगा। मुलजिम जिसने क्राइम करना उसने करना ही करना है, उसके लिए आपकी इंटेलिजेंस चाहिए, आपकी CID तेज चाहिए, आपके ऑनेस्ट पुलिस अफसर चाहिए, जजेस भी इफेक्टिव चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए जो इस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकें और इस चीज़ को सिस्टम को आगे इम्प्रूव कर सकें। ये दिखा देना कि नहीं जी हमने रेवोल्यूशन लाया, ये रेवोल्यूशन नहीं हुआ, ये वही हुआ कि पुराना कानून को नई किताब में शक्ल दे दी, नाम चेंज कर दिया और क्रेडिट ले लिया कि हमने कानून चेंज कर दिया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जो कानून पुराना है उस पर दोबारा कमीशन बैठाया जाए और उस पर संज्ञान लिया जाए कि इसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है। नए कानून से क्या होगा कि हम 1-2 साल और पीछे चल जाएंगे, हमें बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ने के बाद फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जजेस को भी पढ़ाना पड़ेगा, नया लॉ डेवलप होगा उसी हिसाब से, जो केसेस पुराने केसेस चल रहे हैं पुराने लॉ के हिसाब से उनको भी हमने लीगली देखना पड़ेगा चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ये चेंजेस तो है, ये बड़े सीरियसली इसको डिस्कस करना चाहिए था, लीगल लिमिनरी इन्वॉल्व करना चाहिए थे, जजेस को इन्वॉल्व करना चाहिए था, सीनियर इंटेलेक्चुअल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए था, लॉयर्स को इन्वॉल्व करना, सीनियर पुलिस अफसर को इन्वॉल्व करना चाहिए था जो फील्ड में काम करते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये
स्पीडी जस्टिस नहीं होगा, इससे और डिफिकल्टी क्रिएट होगी। थैंक यू। थैंक यू सर। एडवोकेट धर्मवीर जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे इनके क्या व्यूज़ है क्रिमिनल लॉज के ऊपर। सर आपको भी पता है हाल ही में 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए हुए हैं जिससे बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले तो वेलकम टू स्टेट टाइम्स, अब आपके क्या व्यूज़ हैं इन पर आप हमें बताइए। थैंक यू मैम। मैम इसमें जो सबसे पहले था कि जो कानून तो पहले भी थे जी, और वही कानून आज भी हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, वो जो सीक्वेंस है वो सारी चेंज कर दी है। अब ऐसे सीरियल नंबर था 302 मर्डर केस था, 376 रेप था, अब इन्होंने कोई वो डेफिनेशंस तो नहीं चेंज हुई है, बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, शफलिंग कर दी है। शफलिंग से क्या हुआ कि वो सारा जो है वो सीक्वेंस जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं, वी आर आल्सो लास्ट स्टूडेंट, क्योंकि वो हमें दोबारा से वो पढ़ना पड़ेगा कि वो सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज इसमें कोई चेंजेस तो कुछ हो ही नहीं है। अब ये इन्होंने कहा कि हमने कोई एक लिमिटेशन रखी है 3 ईयर्स की, लिमिटेशन पहले भी थी, जैसे हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जी, वो भी लिमिटेशन 6 मंथ्स की है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें भी लिमिटेशन 2 मंथ्स की है, लेकिन वो भी केस अभी तक 10-10 साल में डिसाइड नहीं हो पाते। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो होगा वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन एज सच जो है वो अभी तक तो कुछ हमने देखा नहीं है। कह रहे हैं कि जनता के लिए बदलाव है, क्या बदलाव है सर? अब वही बदलाव है, सिर्फ नंबर ही चेंज है, अदरवाइज वो जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो तो वैसे ही है, वो तो वो कोई उसमें चेंज नहीं है। बदलाव तब होगा अगर प्रैक्टिकल प्रोसीजरल और वो जो परफॉर्मेंस जो है वो सही होगी, अदरवाइज तो जो फैसले जो आ रहे हैं छोटे छोटे पिटी केसेस हैं वो भी 6-6 महीने 6-6 साल चल रहे हैं, वो कोई उसमें कोडिफिकेशन चेंज करने से या सीरियल नंबर चेंज करने से कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगी, प्रोसीजर तो वैसे ही रहा, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो लोग फिलहाल अभी अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं या अभी हाल ही में उन्होंने लॉ अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट की होगी, या उन लोगों के लिए भी जो फिलहाल सर अगर हम एडवोकेट्स की भी बात करें, हाई कोर्ट में जितना एडवोकेट्स हैं उन्हें दोबारा भी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी होगा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए सर कि आपके लिए कैसा होने वाला ये? मैम वो आप सही कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अभी ये जो अभी पास आउट होके आया है, जो अभी उसने अपना कोई एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा, वो ये वाला सिलेबस नहीं पूछेंगे उससे, वो उसका पैरामीटर फिर भी पीछे पुराने कानून से ही आ रहा है, वो पुराना होगा तो उसी के हिसाब से आगे उसकी अपॉइंटमेंट होगी, नए का तो अभी कुछ भी नहीं है। जैसे मर्डर की सेक्शन 302 तो अब उन्होंने 109 कर दिया, ठीक है, तो लेकिन सेक्शन तो वही है ना? हाँ इंग्रीडियंट वही है। देखो ये 302 की जो जो ऑपरेटिंग सेक्शन है ना, जो उसमें हार्डली मुझे लगता है कि 50 वर्ड्स की सेक्शन है ये, और पिछले 70 साल से वही 50 वर्ड की डेफिनेशन जो है वो हर रोज़ नए तरीके से इंटरप्रेट होती है कम्प्लीटली, अभी तक वो भी डिफाइंड नहीं हो पाई, हर केस जो है डिफरेंट केस है, तो इसलिए वो नंबर चेंज करने से क्या होगा, वो कानून तो वही रहेगा, कानून आज भी वही है। सर इन शॉर्ट आप अप्रिशिएट करते हैं या नहीं? नहीं, वी आर नॉट विद देम, क्योंकि इन्होंने इनके पास रिपील का ऑप्शन था, अमेंडमेंट का ऑप्शन था, ये यहाँ से कापी उठा के वहाँ पेस्ट कर दिया विद डिफरेंट नंबर्स, वोट नहीं, हम पर्सनली मैं नहीं हूँ इस बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू।